कर लो भैया भैया। विधायक जी, आप अभी पर्चा भरने के लिए जा रहे हैं, आपके साथ इतना जन समूह है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जनता का प्यार और स्नेह ही मुझे ताकत दे रहा है। आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद में जन जन में हम अपनी पदयात्रा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे कि हमारे साथ में जिस पार्टी को हमने खून पसीना से सींचा था वो धोखा दे चुकी है और अब हम बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर बदलपुर की आवाम की आवाज बनकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो अभी जब आप पर्चा भरेंगे इसके बाद आप क्षेत्र की जनता से मिलेंगे, किन किन मुद्दों पे आप बात करेंगे क्षेत्र की? हमारा मुद्दा यही है कि प्रवासी को एक होना चाहिए। ये धन के बल पर, दारू के बल पर, साड़ी के बल पर, गुंडागिर्दी के बल पर कब तक चलेगा? अरविंद केजरीवाल विकसितता है लेकिन बदलपुर की आवाम नहीं विकसितती, जैसा मुझे आज प्रतीत हो रहा है, जो जनसमूह यहाँ दिख रहा है। आप जब विधायक बने थे तब आपने क्षेत्र में से गुजरवाद को खत्म किया था, अब आपको क्या लगता है क्या फिर क्षेत्र में गुजरवाद का बढ़ावा हो रहा है? सर, मैं गुजरवाद की बात नहीं करूंगा क्योंकि 36 बरादरी चुनके भेजती है और 36 बरादरी का सम्मान करना पड़ता है, इसमें गुजरवाद की बात नहीं है। मैंने 36 बरादरी का सम्मान किया है। इसमें जो दो नेता है, तो दो नेताओं के खिलाफ मेरी जंग है, जिन्होंने 21 साल में ओजोन दिया, तोड़फोड़ दी, कंप्लेंट दी, सीलिंग दी और गुंडागिर्दी बढ़ाई। मेरी जो लड़ाई है गुंडागर्दी के खिलाफ है, किसी बरादरी के खिलाफ नहीं। क्षेत्र में ओजोन लगाने वाले ही अब ओजोन खत्म करने की बात कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ओजोन लगाने वाले जिन्होंने हमारे क्षेत्र की आवाम को लूटा है इस ओजोन के नाम पर, तोड़फोड़ के नाम पर, वो कभी इसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म बदरपुर की आवाम ही करेगी और बदरपुर का ये बेटा ही करेगा। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं मोड़ बंद में और यहाँ पे मौजूद है नारायण दत्त शर्मा जी के समर्थक। जो नारायण दत्त शर्मा जी बदरपुर के विधायक थे, कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी में थे लेकिन उनका एन वक्त पे टिकट काट दिया गया, इसलिए अब वो आए बीएसपी के साथ और बीएसपी के भी सारे सब बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं कि क्या राय है। आप अपना पर्चा बता दें। हाँ, टिप्पणलाल शर्मा, मैं अध्यापक हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर हो गया। तो आपको क्या लगता है अभी क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो हमारा चल रहा है एनडी शर्मा का, जिसने 5 साल तक एक सेवक बन के काम किया है, जिसने डेवलपमेंट का जो काम किसी से ना हुए वो काम किए हैं उसने, और केजरीवाल ने जो उसे धोखा दे दिया है, उसके जो पीठ में छुरा घोंपा है उसका जवाब ये यहाँ की बदरपुर की जनता देगी। जब एनडी शर्मा ने पूरे क्षेत्र में विकास का काम किया, फिर आपको क्यों लगता है कि ये टिकट क्यों काट के दूसरे लालच में? अरे भैया, जब बिकाऊ सौदा हो जाता है, जब दुकानदारी चलाती है, उसने के आगे पैसे दिए, जब टिकट खरीद लिए गए, जो एक दिन का मेंबर नहीं है, जो आदमी एक दिन का मेंबर नहीं है उसको तुरंत टिकट दे दिया, तो आप समझते हैं कि वो वैसे ही दे दिया, कोई हनुमान का प्रसाद है जो बांट दिया। केजरीवाल छोड़े, केजरीवाल अपने आप को एक ईमानदार अरे भैया सुनिए, हम जो है अन्ना आंदोलन से जुड़े से 2011 में जब अनशन हुआ था उस समय इस पार्टी को ये नेता बनने के लिए नहीं किया था, ये लोकपाल के लिए और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए ये आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी। उस समय लोग यही चाहते थे कि आंदोलन से उपजी हुई पार्टी कुछ देश के लिए करेगी, लेकिन उसी राजनीति के दलदल में फंस करके फिर सौदागिरी जो बाकी पार्टियां करती थी उससे भी ज्यादा भयानक, उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी, हमारे एमएलए ने क्या कह दिया था, नारायण दत्त ने यही तो कह दिया था कि जो शहीदों के नाम से और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो पार्टी खड़ी हुई है उसी के लिए सौदा कर रही हो तुम। अब हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से, जानते हैं उनकी राय क्या बदलपुर क्षेत्र में। आप क्षेत्र में किसको बधाई के तौर पे आप वोट दे? नारायण दत्त शर्मा को, क्योंकि वो 5 साल से हम लोगों के लिए कर रहा है, यहाँ की पब्लिक के लिए जूझ रहा है और उसने इतना कुछ करा है, घर घर जा जाके जो बदरपुर जाम के नाम से जाना जाता था उसको मुक्त कराया है, और फिर आप सोमवार को जिस बंदे को अपने साथ मिलाते हो सुबह उसके नाम की टिकट डिक्लेयर कर देते हो,
इसका मतलब क्या है? जनता पागल नहीं है, सब समझ चुके हैं केजरीवाल बिक चुका है। आप क्या कहेंगे? अच्छा करा है ना राय जी ने, और क्या धोखा दिया उनके हाथ में, नोटों से पिक किया केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी पिका है, फार्म हाउस भी नहीं है इन लोगों को, और क्या है? जिसने अच्छा किया उसको तो कुछ भी नहीं। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पूनम जोशी है, 98 एससी हूँ। पांच साल में जो विधायक जी ने किया ना, वो किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया है, हमें जाम मुक्त उसी ने करवाया है। घंटों खड़े रहते थे हम, ओजोन हमें राम सिंह बिदूड़ी ने दिया है ना, और दोबारा से वो कह रहा है हम ओजोन खुलवाने के लिए आ रहे हैं, जिसने हमें पांच साल ऐसी परिस्थिति में रखा ना कि हमारे मकानों पे हथौड़े चले हैं, और उन हथौड़े जब हथौड़े चलते थे तो विधायक जी हमारे बीच में रहते। अब इस क्षेत्र में कैसा माहौल है? देखिए हम तो चाहते हैं कि विधायक जी को दोबारा जितवाए, क्योंकि ये इंसान सबके बीच में अपना बन के रहता है, नेता बन के कभी नहीं रहा, बेटा बन के सबके साथ रहा है। बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुजन मीडिया से हैं, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष पाली है, और मैं दो साल से नरेंद्र शर्मा जी का कट्टर समर्थक बना हुआ हूँ। नरेंद्र शर्मा जी ने जिस पार्टी को सीज करके 2013 में पैदा किया केजरीवाल जी के साथ में, और सबको ऐसा लगता था कि केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है और ये पार्टी गरीबों की और आम आदमी की हितैषी होगी, लेकिन इस चुनाव में केजरीवाल ने भी वही काम किया है जो अन्य पार्टियां करती आई, धन की बदौलत गरीब लोगों को धोखा देना, उनका वोट लेना। लेकिन नरेंद्र शर्मा जी ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, और बदरपुर की जनता के लिए उन्होंने सम्मान भी दिया है, विकास भी दिया है। कल एक बहुत बड़ा यहाँ जनसभा हुई और सब लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने नरेंद्र शर्मा को दोबारा से इस क्षेत्र से विधायक बनाने का निर्णय लिया। आप देख रहे हैं लगातार हम जनता के बीच जाकर और जनता से बात कर रहे हैं, और सारी जनता का ये आरोप है कि केजरीवाल जी ने टिकट को बेच दिया है, और टिकट बेचने की वजह से जनता को बड़ा दुख है और महसूस कर रही है, उनको अकेला लग महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि केजरीवाल जी ने ये गलत किया, इसलिए वो नारायण दत्त शर्मा जी के साथ है और उनको विधायक बना के लेके आएंगे। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।